गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम अंजलि सिंह है और जो मेरा सब्जेक्ट है वो है हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस और उसका एक टॉपिक है सेबी, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। देखिए, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सेबी का फुल फॉर्म है, ठीक है, वॉज सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन 12 अप्रैल 1988। देखो बेसिकली क्या था आपका कि जो सेबी है वो कब सेटअप हुआ आपका, 1988 में सेटअप हुआ और किसके थ्रू सेटअप हुआ आपका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू सेटअप हुआ है। ठीक, इन 1992 सेबी एज अ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर सेबी एक्ट। अब देखिए 1988 में सेटअप हो गया था, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना, जबकि 1992 में इसका एक्ट आ गया। इट हैज स्टार्टेड फंक्शनिंग एज एन ऑटोनॉमस बॉडी सिंस 12 जून 1992। देखो जब भी क्या होता है, जब भी कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन होता है जो कि एक्ट के थ्रू बनता है, तो उसके साथ क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक एक स्टैचुरी बॉडी बन जाती है, एक ऑटोनॉमस बॉडी बन जाती है। इसका मतलब ये होता है कि वो अपने जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो खुद बनाती है। इट्स हेड ऑफिस इज लोकेटेड एट मुंबई, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, मुंबई में लोकेट किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम रोल ऑफ सेबी। तो सेबी जो है वो बेसिकली तीन लोगों के लिए काम करता है। एक आपका इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, आपके जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अपने पैसे लगा रहे हैं, जो अपना कैपिटल लगा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका द इशुअर्स ऑफ सिक्योरिटीज। इशुअर्स बेसिकली वो होते हैं, वो कंपनीज होती है जो कि मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर रही होती है, सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। तो बेसिकली मार्केट इंटरमीडियरीज वो होते हैं जो कि मार्केट में इन्वेस्टर्स एंड आपके जो इश्यूअर्स हैं उनके बीच में एक मीडिएटर की तरह काम कर रहे होते हैं, तो वो आपके मार्केट इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे कि हमारे ब्रोकर्स, एजेंट, ठीक है, ये हमारे मार्केट इंटरमीडियरीज होते हैं। तीनों के लिए वर्क कर रही होती है आपका, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो भी, जो इश्यूअर्स हैं वो भी, और जो आपके मार्केट इंटरमीडियरीज हैं वो भी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, की सेबी के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय प्रमोटिंग द फेयर डीलिंग बाय द इश्यूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड टू इंश्योर अ मार्केट प्लेस वेयर कंपनीज और इंस्टीट्यूशन कैन रेज फंड्स एट द रिलेटिवली लो कॉस्ट। बेसिकली क्या होता है आपका कि एक इसका फंक्शन क्या है हमारा, कि जो आपका सेबी है वो क्या कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा है। क्या रेगुलेट कर रहा है, एक्टिविटीज किसकी, स्टॉक एक्सचेंज की। कैसे, कि बेसिकली क्या कर रहा होता है, प्रमोट कर रहा होता है फेयर डीलिंग, ठीक है, जिससे जो आपका क्या है, मतलब जो कंपनीज है वो क्या हो, फेयर डीलिंग करे, फेयरली जो है सिक्योरिटीज को इशू करे और कम से कम कॉस्ट में इशू करे। टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी देयर इन्वेस्टमेंट है। दूसरा काम ये करता है कि ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या प्रोटेक्ट करता है, राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ जो है आपके किसके, इन्वेस्टर्स के। देखो बेसिकली क्या है आपका जो सेबी है उसके दो ही काम होते हैं, एक तो आपके जो है जो आपका इन्वेस्टर्स है उसके राइट्स को, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मतलब किसी भी तरह से जो है जो आपका जो मार्केट में है जो इन्वेस्टर्स है उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, उनका जो पैसा है वो किसी तरह से डूबे नहीं। नेक्स्ट है आपका टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिस ऑफ फॉर एज ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स एक्सेट्रा। दूसरी चीज ये क्या करता है, रेगुलेट एंड डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का बेसिकली मतलब होता है बिहेवियर, कि जो आपके क्या है, जो आपके इंटरमीडियरीज जैसे ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स हो गए, वो किस तरह से बिहेव करेंगे, उनकी फंक्शनिंग क्या होगी, ये भी आपका कौन बताता है, आपका सेबी बताता है। तो ये बेसिक हमारे थ्री ऑब्जेक्टिव थे जो कि आपका क्या कर रहा है, सेबी करता है। नेक्स्ट हम देखें फंक्शंस ऑफ सेबी। तो जो सेबी के फंक्शन है वो बेसिकली आपके थ्री पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है उन्हें प्रोटेक्ट करना किसी भी तरह की फ्रॉड से, किसी भी तरह के जो है अनफेयर डीलिंग से। तो ये आपका क्या होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन में आता है। जैसे आपका ये चेक करता है प्राइस रैगिंग। प्राइस रैगिंग का बेसिकली मतलब होता है आपका कि जो जानबूझकर आप क्या कर रहे होते हैं, प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो इसको ये रोकता है कि मतलब जानबूझ के कोई भी जो अपने सिक्योरिटीज की प्राइसेस को जो इन्फ्लुएंस ना करे। दूसरा है प्रोविड्स इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप जो अपनी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप दूसरों को बता देते हो, पहले से ही बता देते हो, जिससे कि वो उसका यूज करके जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो उनको मिल जाती है उसको यूज करके वो सिक्योरिटीज को पहले से ही क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जैसे आपका सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब किसी भी तरह की फ्रॉडुलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, जिससे कि इन्वेस्टर को किसी भी तरह की हार्म ना हो, उन्हें किस तरह का लॉस ना हो, वो चीज देखते हैं। एंड सेबी प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस, वही चीज है, सेम पॉइंट सेम ही हमारे।
नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट फंक्शन। तो डेवलपमेंट फंक्शन में अगर हम देखें तो सेबी हर वो काम कर रहा होता है जिससे क्या हो कि जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ जो आपके स्टॉक एक्सचेंजेस है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके, डेवलप हो सके। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटरी फंक्शंस। तो रेगुलेटरी फंक्शंस पे बेसिकली ये देखते हैं हमारे कि जो रेगुलेशंस, रेगुलेटरी जैसे उसका नाम बता, रेगुलेटरी मतलब रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये क्या कर रहा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है किसके लिए, जो आपके इन्वेस्टर्स है उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, साथ ही साथ आपके जो कंपनीज है, जो इशुअर्स है उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज बनाते हैं कि वो कौन कौन से रूल्स को फॉलो करके अपने सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हैं। और अगर वो, और दूसरी चीज है आपका कि जो आपके इंटरमीडियरीज है उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कि अगर वो उस मार्केट में काम करना चाहते हैं तो वो कैसे काम करेंगे, उनके कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, किन चीजों को फॉलो करना है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ब्रोकर्स बनने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक था आज सेबी का, जो कि हम जिसमें हम लोगों ने उसका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस को कंप्लीट किया। थैंक यू।